कोरोना की इस महामारी में अगर सबसे ज्यादा बुरे दिन किसी को देखने पड़े हैं तो वो है गरीब और मजदूर परिवार। कई जगह लॉकडाउन की वजह से इन परिवारों के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। लेकिन राजस्थान के धौलपुर जिले में एक ट्रांसजेंडर ऐसे परिवारों के लिए फरिश्ता बनके सामने आई है। इस ट्रांसजेंडर ने राजस्थान के धौलपुर जिले में 30,000 से ज्यादा परिवारों को राशन के किट बांटे हैं ताकि उनका गुजारा चल सके। इन ट्रांसजेंडर का नाम है देविका और भारत सरकार की तरफ से उन्हें इस काम के लिए सम्मानित भी किया गया है। गाइज, आपका इस रिस्पेक्टेड कम्युनिटी के लिए क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइज, आपने सफेद लहसुन यानी कि व्हाइट गार्लिक तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ब्लैक गार्लिक देखा है? बहुत ही कम लोग ब्लैक गार्लिक और उसके गुणों के बारे में जानते हैं। गाइज, ब्लैक गार्लिक व्हाइट गार्लिक का एक रूप है जो कि फर्मेंटेशन से बनाया जाता है और ये एक सुपर फूड है जो कि बहुत सी बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, 14 तरह के कैंसर से लड़ने में हमारी मदद करता है, ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, हार्ट डिजीज से भी हमें बचाता है और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाइट गार्लिक की तुलना में ब्लैक गार्लिक में दुगने एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ब्लैक गार्लिक के बारे में इतना कुछ पता था? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, एक सवाल है मेरा, क्या जींस सिर्फ लड़के पहन सकते हैं? नहीं, लड़कियां भी पहन सकती हैं, उन्हें भी हक है, इनफैक्ट वो पहनती हैं। तो फिर स्कर्ट क्या सिर्फ लड़कियां पहन सकती हैं? अगर कोई लड़का स्कर्ट पहन के आ जाए तो हम उस पे हंसते क्यों हैं? ये हमें नागवार क्यों है? कुछ ऐसा ही हुआ स्पेन के एक स्कूल में जहां पर 15 साल का एक स्टूडेंट माइकल गोमेज स्कर्ट पहन के स्कूल पहुंच गया तो स्कूल की अथॉरिटी ने पता है क्या किया? उसे स्कूल से ही एक्सपेल कर दिया, बाहर निकाल दिया और उसे दिमाग के डॉक्टर को दिखाने की सलाह तक दे डाली। लेकिन उसके मैथ्स के टीचर को, जो कि खुद एक मेल था, उसे ये बात पसंद नहीं आई। अगले दिन वो मैथ्स का टीचर खुद स्कर्ट पहन के स्कूल आ गया और उस बच्चे को सपोर्ट करने लगा। देखते देखते बाकी मेल टीचर्स और बाकी स्टूडेंट्स ने भी उस बच्चे को सपोर्ट करने के लिए स्कर्ट पहनना शुरू कर दिया। गाइज, सोशल मीडिया पे उसे बहुत सपोर्ट मिला। लेकिन मेरा फिर से एक ही सवाल है, जिसको जैसा पसंद हो वो वैसे कपड़े पहन सके, ऐसी फ्रीडम हमें कब मिलेगी? स्पेन जैसे देश में ये हालात है तो बाकी कंजर्वेटिव कंट्रीज में क्या हालात होंगे? गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, कभी कभी क्या आपको भी ये लगता है कि आपका मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है, जबकि जब आप अपने मोबाइल को चेक करते हो तो उसमें कोई वाइब्रेशन होते ही नहीं है? ये एक तरह की मानसिक बीमारी है, इसे फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम भी कहते हैं। और घबराइए मत, ये बीमारी सिर्फ आपको ही नहीं है, इस पूरी दुनिया में मोबाइल यूज करने वाले 90% यूजर्स को फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम है। क्या आपको भी फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इलॉन मस्क और उनकी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स एक बार फिर से सुर्खियों में है और उसके पीछे का रीजन है कि स्पेसएक्स, जो कि एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, उसने इंडिया की इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। गाइस, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि 15 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV रॉकेट के थ्रू एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था और इस तरह से उन्होंने रशिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और लगभग 4 साल बाद 24 जनवरी 2021 को स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट के थ्रू टोटल 143 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया। है ना ये अमेजिंग फैक्ट? भाई, कोरोना वायरस का खौफ है, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि आज कोरोना वायरस के चक्कर में दुनिया का लगभग हर इंसान मास्क पहन के ही घर से बाहर निकल रहा है। पहनना भी चाहिए, सही बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया में हर साल लगभग 13 लाख लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा देते हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि वो हेलमेट नहीं पहनते। क्या ये सही है? नहीं। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप बाइक राइड करने के लिए घर से बाहर निकलें तो मास्क के साथ साथ हेलमेट जरूर पहने। इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोरोना के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं में जाने वाली जानों को भी हम लोग बचा सकें। जनहित में जारी, जान है तो जहान है। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।